हाँ दोस्तों नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ नदी के किनारे पर, मैं जो कि खुटौली ग्राम पड़ता है वहाँ पर एक मंदिर है, मंदिर के पास में आ गया हूँ और आपको यह सीन दिखाने के लिए। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को जानकारी दूँ मंदिर और नदी के बारे में, उससे पहले कि मैं बता दूँ, मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैंने ग्रेजुएशन तक की शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद मैं अब अपना एक जनरल स्टोर संभालता हूँ। तो दोस्तों यह नदी जो देख रहे हैं आप लोग, यह नदी दुर्वासा से चलकर आती है और दत्तात्रेय निजामबाद होते हुए आजमगढ़ तक यह नदी बहती है। तो यह नदी बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है और लोग इसमें आकर स्नान भी करते हैं। और यह जो आप मंदिर देख रहे हैं, यह मंदिर जो कि द्रोणाचार्य का मंदिर है, यहाँ पर शिव का भी मंदिर बनाया गया है। तो यहाँ पर जो भी लोग आस्था रखते हैं वो लोग आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को यह वीडियो दिखाने के लिए बहुत दूर से चलकर आया हूँ, तो आप लोग कोशिश करें कि इस वीडियो को सपोर्ट करें और मैं आप लोगों को इसी तरह से और भी बहुत सारी वीडियो देता रहूँगा जो कि आप लोगों को अच्छा लग सकता है। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को सपोर्ट करते रहिए। मैं आप लोगों को हर रोज़ कुछ ना कुछ नया वीडियो देने का प्रयास करूँगा। देखिए यह पीपल का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष बहुत ही शानदार हरा भरा वृक्ष है, यह ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है, इससे सभी जीवों को अच्छा ऑक्सीजन मिलता है और काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।